में क्या डालते हैं रॉ मटेरियल में? दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पाउडर डालते हैं, मक्खन डालते हैं, ये सब दे के फेट काट के तब क्रीम बनाते हैं। अच्छा, ये कप हो गया जो तो बड़ी बड़ी ब्रांड की आइसक्रीम होती है उसमें भी यही यूज होता है जो आप लोग बनाते हैं, टेस्ट वही होगा? वही है, उनसे 20 है। अच्छा, उनसे हमारे उनसे 20 है। जैसे क्या दिखता नहीं है, एक कैल्शियम है। अच्छा, कैल्शियम है। कुछ नहीं इसमें है कि ये जो माल के ठंडे करके स्टोर में से पका के धरा जाएगा, जो माल लगे तो उनको डोलेगा नहीं, काम करता है। 40% कमीशन पर है। एक आइसक्रीम पे अगर मान लीजिए 100 रुपए का आइसक्रीम हो तो 40 रुपए उनको प्रॉफिट होगा, 60 आपके। आपको इसमें कितना मुनाफा हो जाता है? ठेला आप खरीद के देते हैं? मौसम शांत दे देवे तो 10,000 रुपए डेली पेडियल बचेगा। सीन की कॉस्टिंग कितनी आ जाती है ये बताए ना। आपको PMAGP से कितना मिला था? PMAGP से 4,19,000। 4,19,000 जिसमें 35% सब्सिडी होगा जी, और बाकी आपने घर से भी कुछ लगाया? घर से 2,35,000 रुपये अपने घर से 2,35,000। अच्छा, पर डे 1,000 रुपये का मटेरियल लगाते हैं और 10,000 का माल बन के तैयार हो जाता है, 1,000 में लगा के 10,000 का माल तैयार हो जाता है, 1.5 लाख। 1.5 लाख सेल प्राइस, माने 1.5 लाख में आपने लगाया। ये ठेले में साइड साइड आया है, ठेला से इसको बजट हो जाएगी, फैन ठेला में दे देंगे, सब माल दे देंगे भरने के लिए, फैन माल गलेगा नहीं हमारी, ये बात। आज के वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया को मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं आज लेकर पहुंचा हूं आपको एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में। आप यहां पे देख सकते हैं हैप्पी आइसक्रीम, हैप्पी नाम से यहां पे ब्रांडिंग की जाती है। गोपालगंज के नजदीक काकड़कुंड गांव में हम लोग हैं और ये गांव वही है जहां के मुकेश कुमार क्रिकेटर, आपने देखा होगा नया डेब्यू किए हैं जो गोपालगंज के, उनके गांव में ये फैक्ट्री लगी हुई है। आज हमारे साथ राजू जी हैं, राजू कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इनकी ये आइसक्रीम फैक्ट्री है और पूरा आइसक्रीम फैक्ट्री जो है PMAGP योजना के तहत लगाया गया है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया है सब्सिडी पे, मतलब इस फैक्ट्री पे सब्सिडी भी मिला है इनको। पूरा डिटेल बात करेंगे, आप इस तरह की फैक्ट्री कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आइसक्रीम बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको, फैक्ट्री के अंदर लेके चलेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग ये दिखाएं ना कि आइसक्रीम बनता कैसे है और इसमें कौन कौन सी मशीनें यूज होती है। ये आप देख सकते हैं ठेला है और कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? अभी फिलहाल 6 आदमी। 6 लोग काम करते हैं जी। ये स्टोरेज हो गया, इसमें स्टोर करते हैं। और मेन कौन सी मशीन काम में आती है? ये मशीन, ये चर्नर। ये इसको क्या बोलते हैं? चर्नर। इसको चर्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चर्नर। चर्नर इसमें क्या होता है? दूध की फिटाई करेगा, फिटाई करके कपो भराएगा, कौन है, मटका है, हर आइटम बनेगा ये। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के। आप बिहार से ही हैं? छपरा से ही हैं। 6 लोग जितने लोगों को आपने काम पे रखा हुआ है सब लोग बिहार से ही हैं? जी, सब कोई बिहार। सब लोकल ही हैं। थोड़ा सा एक बार दिखाएं ना कैसे काम होता है ये। इसमें क्या डालते हैं रॉ मटेरियल में? दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पाउडर डालते हैं, मक्खन डालते हैं, ये सब दे के फेट काट के तब क्रीम बनाते हैं। पाउडर मतलब क्या हुआ? अलग से आता है रेडीमेड? जेएमएस अलग से, जेएमएस भी है, सब स्टीम बना के तब दूध बनते हैं, तब जाके आइसक्रीम बनते हैं। अलग अलग आइसक्रीम जैसे चोको बार होता है या वेनिला हो गया, बटर स्कॉच हो गया, सब इसी से बनता है? इसी से बनेगा। थोड़ा सा दिखाएं अभी कौन सा बना रहे हैं? अभी वेनिला है। थोड़ा सा कप वगैरह किसी में बना के दिखाइए, किसी में कैसे इसमें काम होता है। ये इसमें जो भी लाइट यूज हो रहा है ये जो घरेलू लाइट है वही है या नहीं, 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 लाइट ये आपने? कमर्शियल लाइट है। कमर्शियल लाइट, कमर्शियल। फेस अलग है, थ्री फेस है कि वन? थ्री फेस है। हाँ। अच्छा, ये कप हो गया जो तो इसमें इस तरह का क्रीम इसमें फूल कर दिया, उसमें पूरा फेट देता है इसको और ये स्टोरेज के लिए रख देंगे फ्रीजर में। कितने देर बाद ये टाइट हो जाता है? 10 मिनट में ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कितने बिकता है? 10 में? 5 में। तो ये अच्छा, ये सब चीज़ें, ये कप वगैरह कहाँ मिलता है आपको रॉ मटेरियल? ये रॉ मटेरियल मीरगंज, माने लोकल में मिल जाता है? मिल जाता है। इस पे कंपनी का नाम वगैरह भी प्रिंट करा सकते हैं? करा सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन से टाइप को बनाते हैं? थोड़ा सा सैंपल देखते हैं ना, इधर आ जाए, इसमें इसमें आ जाए। कितने तरह का बनता है इसमें? ये मेरा वनीला है, यहाँ देखिए, ये मटका है, अंदर दिखाओ इसमें। हाँ, ये चॉकोबार है, ये कोन है, ये फिश है। तो ये बड़ी बड़ी ब्रांड की जो आइसक्रीम आती है उसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई है अंतर? क्वालिटी वही है, ये क्वालिटी के अपनी बनाने के एडमेंट है और कुछ नहीं है। एक बड़ा नाम होता है कि एक कंपनी है, कंपनी नहीं है, कंपनी एक नाम पर चलता है, लोकल जो कंपनी से भी चलता है। अच्छा, मतलब क्वालिटी सब कुछ, quality सब जो बड़ी बड़ी ब्रांड की आइसक्रीम होती है उसमें भी यही यूज होता है जो आप लोग बनाते हैं, टेस्ट वही होगा? वही है, उनसे 20 है। अच्छा, हमारे उनसे 20 है।
अच्छा हाँ जी, हम उत्तराखंड में मिस्त्री यही किए हैं, हर चीज हमारी उन से बीस है। अच्छा, पहले भी आइसक्रीम फैक्ट्री में ही आप काम? हाँ जी, उत्तराखंड। वहाँ पे कितना सैलरी मिलता था आपको? वहाँ हमारे 20,000 था। यहाँ पे? यहाँ 20,000 है। मतलब आपको ये बढ़िया हो गया कि आपको लोकल में नौकरी मिल गया, लोकल में फैक्ट्री लगने से, और सैलरी सेम। हाँ सेम। ये बचत भी ज्यादा हो रहा होगा, घर जब मर्जी तब घर जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये शादी ब्याह में जो बड़ा पैकेट जाता है उस तरह का है? फैमिली पैक नहीं है, वो ऑर्डर पे बनता है। ऑर्डर पे बनता है वो? ऑर्डर पे। ये क्या है, इधर क्या हो रहा है? ये मशीन है, मैंने इसमें सब जमाई करेगा। अच्छा, ये क्या है इसमें इतना गंदा जैसे? क्या दिख रहा है? गंदा नहीं है, ये कैल्शियम है। अच्छा, कैल्शियम है। हाँ, ये बहुत कूल है, बहुत ठंडा है। ये -18 डिग्री है। अच्छा, -18, थोड़ा सा यहाँ दिखाओ। -18 डिग्री इसका टेम्परेचर है, और इसमें ये जमाया जा रहा है, जो भी कुल्फी वगैरह या जो ऑरेंज वाला या जो भी है इसी से करेगा। इसमें कंडी के काम है, चोकोबार से लेकर तक इसी से करेगा। हाँ, हमारे जो भी बटर स्कॉच है, जो भी है उससे करेगा, उससे करके डिस्माइल करके इसमें स्टोर में आएगा हमारा। तो ये कितनी मशीनें यूज होती है? जैसे एक तो चर्नर हो गया। हाँ, एक क्या बोलते हैं इसको, चर्नर ही बोलते हैं या मैं गलत बोल रहा हूँ? चर्नर। तो और वो हो गया, कैंडी मशीन है। ये कौन सा? कैंडी मशीन। कैंडी मशीन। और ये फ्रीजर हो गया, ये स्टोर के लिए। स्टोर अपना तरह का है। कितना पर डे प्रोडक्शन होता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ मोटा मोटी अभी 10,000 पैक हो रहा है। 10,000 जो पैक होता है वो मार्केट में चला जाता है? मार्केट में कैसे, थोड़ा सा उसको दिखाएंगे, जो ठेला उसमें क्या सुविधा रहता है कि भाई वो उसमें कैसे स्टोरेज रहता है, भाई उसमें खराब नहीं होता है कैसे? अभी तो नए नए हैं, इसमें हम स्लाइस करके इसके अंदर टंग देते हैं, इसमें माल लगा के सेलमैन के पैक करके देते हैं, वो अपने जाके मार्केट में सेल करते हैं। इसमें खराब नहीं होगा? इसका कुछ नहीं खराब होएगा। कितने देर तक ठंडा? ये हमारी करीब 10 घंटे रहते हैं। इसमें क्या टेक्नोलॉजी है? इसमें ये है, वो पैड है, एक पैड लाना पैड। इसको साइड से खोल के दिखा? हाँ, जरूर। वो दिखाओ थोड़ा सा बाबू। हाँ, ये क्या है? ये साइड में लगेगा, ये जैसे हो गया, इसको जमा आप फ्रीजर में जमाते होंगे? जमाते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ नहीं, इसमें है कि ये जो माल के ठंडे करके स्टोर में से पका के धरा जाएगा, जो माल लगे तो उनको डोलेगा नहीं, गलेगा भी नहीं। पानी है भाई, अगर ठंडा करके साइड में रख दिए 10 घंटे तक इसमें माल नहीं मिलेगा हमारा। अच्छा, माल डाउन। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? यही कि लाइट वगैरह नहीं रहा तो फिर आइसक्रीम खराब होता है, तो माल थोड़ा डाउन होता है। ऐसे अपने जनरेटर धरते हैं, कुछ डाउन नहीं होगा। जनरेटर पे फिर कॉस्टिंग ज्यादा आ जाता है, थोड़ा सा वो जो प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिल पाता। कितना ठेला आपने रखा हुआ? 5 है फिलहाल। ठेला वाला लोग कैसे काम करता है? 40% कमीशन पर है। मैंने एक आइसक्रीम पे अगर मान लीजिए 100 रुपए का आइसक्रीम हो तो 40 रुपए उनको प्रॉफिट होगा, 60 आपके। आपको इसमें कितना मुनाफा होता है? मुनाफा 10% सबसे ज्यादा जो ठेला पे ले जाते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। मेहनत भी है उन लोगों में पूरा दिन। ये अभी 5 लोग रखे हुए हैं, और भी लोगों का अगर इसमें ठेला आप खरीद के देते हैं? हाँ, खरीद के। हम कितना का पड़ता होगा ये? ये फिलहाल जो ये आइस पैड वाला ठेला है 20,000-21,000 का ठेला है, साइकिल के साथ सबके साथ सेट। 20-21,000 का ठेला खरीद के दे दिए तो उनसे प्रॉफिट पर डे आपको कितना हो जाता है? मतलब प्रॉफिट 500 रुपये डेली बच जाएगा हमको, 500 रुपये एक ठेला से बच जाता है। मैंने अगर 5 ठेला रखे हुए हैं तो वो लोग अलग से आपको 2500 प्रॉफिट दे जाते हैं। 2500-3000 दे जाते हैं। बाकी आपको डायरेक्ट शादी ब्याह में भी या कोई अगर आपके यहाँ से भी कहीं दुकानों का में जाता होगा, उन लोग से कितना प्रॉफिट, वो लोग कितना मार्जिन लेते हैं? उन लोगों का मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कि सब डिफ्रीजर ये सामान जो भी है उन लोगों का है अपना। उन लोगों से मैंने आपको जैसे 50% उनको दो 3,000 तो आपको आ गया ठेले से, बाकी डायरेक्ट सेल भी करते हैं। मैंने हम ये जानना चाहते हैं इस उद्योग को लगाने के बाद आपको अच्छी खासी कमाई हो रही है? कमाई ये बिजनेस अच्छी है कि बढ़िया से मौसम शांत दे देवे तो 10,000 डेली पेडियल बचेगा पर डे, 10,000 कमाई हो जाए, 10-15 गाड़ी होए तो 10,000 बचेगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सा मशीन की कॉस्टिंग कितनी आ जाती है ये बताए ना, कितना मशीन में लागत कितनी आ जाती है? आपको PMAGP से कितना मिला था? PMAGP से 4,19,000 जिसमें 35% सब्सिडी होगा जी, और बाकी आपने घर से भी कुछ लगाया? घर से 2,35,000 रुपया अपना, घर से 2,35,000। ये मशीनों का कॉस्ट क्या, मैंने टोटल आपने इन्वेस्ट किया इसमें कितना? 6,48,000 टोटल इन्वेस्टमेंट लगा, जिसमें ये पूरा आइसक्रीम जितने भी आप आइसक्रीम देखते होंगे जितने वैरायटी उस सब बना सकते हैं आप जी जी। उसके बाद ये है क्या नाम, उसके बाद मटेरियल है, उसके बाद मटेरियल अलग से। कितना का मटेरियल लेते हैं आप? मटेरियल महीने में 30,000 का मटेरियल लगेगा एक महीना में। एक महीना कम हुआ 30,000 में, अगर पर डे कितना प्रोडक्शन हो जाता है? 10,000 का
10,000 आइसक्रीम, 10,000 मतलब 10,000 रुपए का आइसक्रीम, 10,000 रुपए जी। अभी ठेला पाँच ही है ना, वही 30,000 रॉ मटेरियल में ही एक महीना बन सकता है। बन सकता है, नहीं दूध अलग से है, दूध अपना घर का वाला यूज करते हैं। दूध कितना पर डे लगता है? 15 लीटर दूध डेली लगता है। अपने गाय का दूध यूज करते हैं हम, ये मटेरियल डाल के बनाया गया है। देखिए तो 15 लीटर दूध का कितना प्राइस हो गया? 700-800 रुपए जी। अगर 50 रुपए भी जोड़ते हैं तो 700-800 रुपए जी। अरे 1,000 रुपए लगाइए, मैं क्या ऐसे डालते 1,000 रुपए अच्छा पर डे 1,000 रुपए का मटेरियल लगाते हैं और 10,000 का माल बन के तैयार हो जाता है। 1,000 में लगा के 10,000 का माल तैयार हो जाता है। तो उसी में मिस्त्री खर्च है, बिजली खर्च है, मटेरियल सब लेके काट के गुना भाग करके कम से कम सोचा जाए कि हां ये सेल में होगा। चाहो तो ये मशीनों का कॉस्ट क्या आ जाता है? ये कितने की मशीन आती है? 1.5 लाख। 1.5 लाख सेल प्राइस, माने 1.5 लाख में आपने लगाया? 1.5 लाख ये भी है। अच्छा ये भी 1.5 लाख। और ये सर फ्रीजर कितने का आ जाता होगा? ये है, ये रॉकवेल वाला जो फ्रीजर है 10 साल वारंटी है, इसका 37,000 दाम। 37,000 जी। तो दो रखा होगा आपने स्टोरेज के लिए? जी, जी। अगर माल फुल हो गया, रुक गया तो आप बनाना बंद कर देते होंगे? माल बन गया हमारा, ये सुबह जाएगी, ठीक है। ये टेस्ट कीजिए, ये लगाएंगे, ये मेरे सब आइटम चेक करके देखिए, सब कहिए कि हाँ कोई मिस्त्री बनाया है। अच्छा ये आप कोल्ड कर रहे हैं वो ठेले में लगाने के लिए? ठेले में साइड साइड में लगाएगा, ठेला से सुबह बजे हो जाएगी, फिर ठेला में दे देंगे, सब माल दे देंगे भरने के लिए, फिर माल गलेगा नहीं हमारी। ये क्वालिटी हमने टेस्ट किया है, हमने खा के देखा था, आपका क्वालिटी अलग नहीं है कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का आता है, सेम वैसे ही है। इस फैक्ट्री से जैसे 6 लाख लगभग मशीनरी में लगाया आपने, 30,000 रॉ मटेरियल लगाते हैं, 6 से 7 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल महीने की इनकम शुद्ध मुनाफा आपको सब बिजली बिल दे के इनकम सैलरी दे के कितना हो जाता है? इस साल अभी हम ऑफ सीजन में स्टार्ट किए, ऑफ सीजन स्टार्ट होगा, अगले साल तब क्लियर होगा। मैंने अभी एवरेज कितना चल रहा है? मतलब पिछले महीने में 35-40,000 रुपया बचा था महीने में। कितने दिन हो गया चालू किए हुए? दो महीना हो गया। ऑफ सीजन है इसलिए। और सबसे अच्छी बात है इसमें गवर्नमेंट की मैंने सपोर्ट मिला है आपको, सब्सिडी के तौर पे पैसा मिल गया। कैसा इस मैंने ये बिजनेस किस टाइप का है, अगर कोई इस तरह के बिजनेस शुरू करना चाहता है? बिजनेस अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे बिजनेस अच्छा है मिस्त्री मिले ढंग से, आदमी मिल जाए तब ये बिजनेस है। आप 10 लाख रुपए भी लगा दीजिए, मिस्त्री ढंग के नहीं मिला नहीं चला। आप अकेले हैंडल कर लेते हैं? हाँ जी अकेले हैंडल करते हैं। बाकी स्टाफ किस लिए रखे हैं? एक लेडी हैं कि जो सैंपल में वो थोड़ा काम अपना लगाने के लिए करने के लिए। अच्छा ये पैकिंग करती हैं जी, बाकी इसमें आप बना के सब पैकिंग वाला सब आप करते हैं? वो लेडीज है हमारे जो बगल के हैं पड़ोस, उनके हम धरे हैं कि साथ में कि थोड़ा आप हेल्प करो, थोड़ा आपके भी कुछ ऐसी हो जाए। कितना सैलरी देते हैं लोग? इनका 20,000 है। बाकी और लोगों के स्टाफ लोगों को नहीं, उन लोग तो कमीशन पे है और आदमी। अच्छा जितना पैक किए उतना पे जितना बेचेगा। तो ये बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इस बिजनेस के बारे में? क्या दिक्कतें आती हैं अगर ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, नुकसान क्या होता है या दिक्कतें क्या आती? नुकसान इसमें यही है, अगर माल सेल नहीं हुआ, आदमी सही नहीं मिले सेलमैन, तो नुकसान है। अच्छा माने स्टोरेज करेंगे तो फिर उसका कॉस्टिंग आएगा, बिजली का बिल है, और सबसे बड़ी बात है मिस्त्री। अगर कारीगर अच्छा मिल गया तो क्वालिटी अच्छा होगा, कारीगर अच्छा नहीं है तो आप कितना भी रुपया लगा लीजिए आप। ये तो बाहर काम किए हुए इनसे संतुष्ट हैं आप सारे काम? संतुष्ट हैं। अच्छा इसमें और कुछ सर्टिफिकेट या लाइसेंस या फूड सर्टिफिकेट कुछ गवर्नमेंट से क्या क्या लिया आपने? हमने पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराया हैप्पी एंटरप्राइजेज के नाम से, उसके बाद FSI जो होता है वो बनवाए, उसके बाद लोन दिया सरकार। अभी जो सर्टिफिकेट लेना है क्या, जो हमारा माल जो शुद्धता का गारंटी देता है, उसके लिए अप्लाई किए हैं उद्योग विभाग में। राहुल जी हैं एक, जानते हैं राहुल? हाँ, जानते हैं। वही कराए हैं, और राहुल जी बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हीं का लोगों सपोर्ट किए हैं। राहुल जी का सपोर्ट है, राहुल जी का सपोर्ट है। तो ये बाकी आप इस तरह के फैक्ट्री लगा सकते हैं, और शादी विवाह में अगर किसी को ऑर्डर देना हो डायरेक्टली आपसे संपर्क करें तो सस्ता मिल सकता है? सस्ता मिलेगा। कितना परसेंट मार्केट से डिस्काउंट मिल जाएगा उनको? हमारे यहाँ मतलब मार्केट में जो वनीला मिलेगा 120 रुपया का एक किलो, हम 100 में देंगे। वो जो लोकल होंगे ना, मैं नंबर दे दूंगा, अगर शादी ब्याह में लेना हो या ऑर्डर देना हो तो आप आदमी भेज भी देते होंगे, ठेला वगैरह भेज देते होंगे शादी ब्याह में? शादी ब्याह में हम भेजेंगे आदमी, तो कप उनका होगा। अच्छा मान लीजिए आदमी लोग बोलेगा आप कितना कप लाए, नहीं आप 500 कप दीजिए, 500 काउंटिंग पे हो जाता है। काउंटिंग पे
हाँ। हम उतना आदमी खिला वो सब तो बात करने की बात है, आप आगे बात कर सकते हैं। ये इतना गारंटी है कि भाई और जगह से सस्ता मिलेगा, सीधे फैक्ट्री से आप लेंगे तो बाकी वेंडर से आपको सस्ता मिलेगा, और दुकानदार लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं जो आइसक्रीम सेल करते हैं, कितना परसेंट पे दे देते हैं उसमें, मैंने कितना, जैसे मान लीजिए 20 का आइसक्रीम है वो कितने में आप दे देते हैं उनको? 40% दुकानदार को हम दे देंगे। 40% काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफी अच्छा लगा आपकी इस फैक्ट्री को देख के। सबसे अच्छी ये बात है कि ये गवर्नमेंट की सपोर्ट से लगाई गई है और गांव में छोटे सा उद्योग है, एक छोटा सा उद्योग लगा के बढ़िया 5-6 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और अपना भी खुद का रोजगार ये सृजन कर रहे हैं, खुद का फैक्ट्री लगाए हुए हैं। इस तरह का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।